नमस्कार, मैं जीशान जावेद, आप देख रहे हैं न्यूज नेटवर्क टुडे। सिमरिया विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी अभय मिश्रा ने पर्चा दाखिल किया। पर्चा दाखिल करने के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए अभय ने कहा, मैंने जो भी विधानसभा में काम किए थे उसके आधार पर सिमरिया की जनता मुझको अपना वोट देगी। मैंने काम किया था, मैं अपने काम के दम पर सिमरिया की जनता से वादा करता हूं, एक नई सिमरिया, नए आयाम विकास के गढ़ के दूंगा सिमरिया की जनता को। सुनिए, पर्चा दाखिल करने के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए अभय मिश्रा ने क्या कुछ कहा। माँ ललिताम्बा हमारे यहाँ स्थापित हैं, त्रिपुर सुंदरी राजा राजेश्वरी माँ, उनके चरणों में नमन करके आके नामांकन भर दिया हूँ और सिमरिया के जनता के बीच में प्रत्याशी के रूप में जा रहा हूँ और उनसे प्रार्थना करूँगा कि वो सब सहयोग करें और परिवर्तन करें। 20 साल हो गए हैं एक ही चटनी खाते खाते, कहे घोड़ा अड़ा क्यों, पान सड़ा क्यों, रोटी जली क्यों, क्योंकि पलटी नहीं गई। इस बार पलटा, रोटी पलटी जा रही है, बदलाव होगा और कांग्रेस की सरकार बनेगी, हम उसके हिस्सेदार बने। सिमरिया साहब के साथ मतलब प्रतिद्वंदी खड़े हैं बीजेपी से, कद्दावर नेता हैं, कैसे उनको टक्कर? मुझे किसी को कुछ नहीं कहना है, मुझे अपना काम करना है। कल एक ऑडियो वायरल हुआ है आपके क्षेत्र से, मुझे किसी इससे क्या मतलब, किसका क्या, मुझे अपना काम करना। जी, ताज़ा तरीन खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और देखते रहिए न्यूज़ नेटवर्क टुडे।